हेलो एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट एजुकेशन सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 8 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट फॉर क्लास 12। द फर्स्ट कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन एफर्ट फॉर फ्रीडम इन 1857 AD वॉज ट्रैम्पल्ड ओनिंग टू रिप्रेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में पहले ही हम लोग चैप्टर्स में देख चुके हैं कि वो लोग जो इंडियन आर्ट था उसको बहुत हेटिंग फीलिंग से देखते थे, बहुत नफरत करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए बहुत सारे इंडियंस आवाज़ उठाए थे, जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आगे देखेंगे कि वो लोग कैसे कैसे अपना योगदान दिया, आर्टिस्ट सभी अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिए हैं इसमें। देन बाय द एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश विशियस प्रोपोगेंडिस्ट द एक्सीलेंस ऑफ एंशियंट नॉलेज रिलेटिंग टू इंडियन ट्रेडिशन आर्ट कल्चर वॉज बींग सीन हेटफुली एंड द ब्रिटिश सिविलाइजेशन नॉलेज लाइफ स्टाइल वेयर बींग टोल्ड एक्सीलेंट। न्यूमरस इंग्लिश लिटरेचर इंडियन यंगस्टर सीम टू बी एग्रीड विद द विशियस प्रोपागेंडा। मतलब ब्रिटिशर्स का जो प्रोपागेंडा था कि यूरोपियन आर्ट्स बहुत अच्छा होता है, इंडियन आर्ट्स में आर्टिस्ट मैंने पेंटिंग्स के उसके पेंटिंग्स में कुछ है ही नहीं, तो इससे बहुत सारे इंडियन एग्रीड भी कर रहे थे और बहुत सारे नहीं कर रहे थे एग्रीड। बट अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडियन अमॉन्ग हुम वेयर द रिसर्च एसोसिएट्स एंड द थिंकर्स also seen not only to be standing against the trick being applied by the British rulers, but also they were proud of Indian ancient civilization, knowledge, culture, art. मतलब कि बहुत सारे इंडियंस ब्रिटिश जो अपना आइडिया लगा रहे थे कि उन्हीं का यूरोपियन कल्चर बहुत अच्छा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंडियन रूलर्स बोले कि इंडियन सिविलाइजेशन और नॉलेज में जो पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ है वही बहुत अच्छा है। Some of those person in the last two decades of the 19th century started establishing such organization that could jolt the British vicious propaganda. The initiation of this type began from Calcutta, now Kolkata, in West Bengal, that was considered to be the center of recent knowledge in the contemporary India. Contemporary India में हम लोग जानते हैं कि जो contemporary art भी है उसका भी starting कलकत्ता में ही हुआ है, जो कि इसमें भी उसका जो शुरुआत हुआ फ्रीडम मूवमेंट का शुरुआत हुआ वो भी कोलकाता से ही हुआ है। दे हैड स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे खोलना स्टार्ट किए। बिसाइड सेवरल रिवोल्यूशनरी एंड मूवमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेर बिजी इन स्ट्रेंथनिंग एंड फाउंडेशन सीक्रेटली। ऑब्वियसली किसी को पता चल जाएगा कि वो लोग अलग से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स कुछ स्टेप्स लेते, बट वो लोग सीक्रेटली अपना काम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम विद द कॉपरेशन ऑफ सम इंडियन स्टैब्लिश इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 for the very purpose so that the effect of newly establishing organization against the British rule could be lessened. मतलब उसको बताया जा सकता है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ उमेश चंद्र बैनर्जी। जो पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ था वो प्रेसिडेंटशिप किसके अंदर हुआ था, उमेश चंद्र चटर्जी के अंदर हुआ था। कहाँ पे, मुंबई में। पहले वो बॉम्बे था, अब मुंबई है। इन दिसंबर 1885 को हुआ था। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्लोली बट एग्जैक्टली स्टार्टेड द रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द ट्रेनीज हैपेंड ऑन इंडियन एंड द ब्रिटिश पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। जो कि इंडिया पे वो लोग जुल्म कर रहे थे, मतलब हाँ बहुत परेशान कर रहे थे, वो सब पॉलिसी के अगेंस्ट काम होना शुरू हो गया। न्यूमरस राइटर नोवलिस्ट पोएट कॉन्केट देयर स्टोरीज नोवल एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग एंड टेरनीज में मेलोडीज होता है डिफरेंट सॉन्ग्स का, विच इम्प्रेस नॉट ओनली द रिवॉल्यूशनरीज बट ऑल्सो द कॉमन पीपल। जो अपना पोएम मैंने कि देशभक्ति टाइप का नेशनलिस्ट टाइप का, मैंने कि जो उस टाइप का पोएम नॉवेल्स आया जो कि पूरे जो रिवॉल्यूशनरी थे उनको तो और ज़्यादा उत्साह किए बनाए, और कॉमन पीपल को भी बताए कि हाँ हमें हम लोगों को फ्रीडम चाहिए ब्रिटिश रूल से, तो उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। इन द सीरीज बंकिम चंद चैटर्जीज फेमस नॉवल आनंद मठ प्रूव टू बी द माइलस्टोन। आनंद मठ एक नॉवल है जिसमें फ्रीडम के बारे में पूरा लिखा हुआ है, उस वो भी बहुत अच्छा साबित हुआ इस टाइम में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड सेकेंड पार्ट भी इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।